हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है दृष्टि लाजपाल। आज हम साबूदाना खिचड़ी बनाने वाले हैं, तो चलते हैं अपने किचन में साबूदाना खिचड़ी बनाने के लिए। चलिए अब शुरू करते हैं साबूदाना खिचड़ी। ये हमने लिया एक कप साबूदाना और आधी कटोरी मूंगफली ली है। मैंने लिया जीरा, नमक, मिर्ची और हल्दी, और ये लिया सूखा धनिया, और दो आलू लिए हैं मैंने। अब ये देखिए चक्कू लिए हैं दो, इसके लिए मैंने छिलने और काटने के लिए, और ये हींग लिया है। अब हम स्टार्ट करते हैं। ये देखिए मैंने साबूदाने को भिगोने के लिए इसमें डोंगे में डाल लिए हैं। अब इस साबूदाने को हमें इतना ही पानी लेना है जितना कि ये भीग जाए। भिगोने के लिए हम इसको 4 से 5 घंटा हम भिगोएंगे। अब ये हमारा भीग चुका है, देखिए 4 से 5 घंटा हो चुका है। अब ये हमारा साबूदाना भीग चुका है, दाना दाना बिल्कुल अलग हो चुका है इसका। अभी हम इसको छलनी में निकाल लेंगे। छलनी में निकालने के लिए देखिए हमें उसको रख देना है, छलनी में निकाल कर थोड़े से पटक के थोड़ा सा झटक झटक के पानी निकाल देना है इसका। जब तक थोड़ी देर के लिए हम इसको रख देंगे, जब तक ये सूखता है थोड़ा सा निकलता इसका पानी, जब तक हम आलू छील लेते हैं, आलू छील के काट लेते हैं। ये आलू को हमें छीलना है अच्छे से, छील के फिर इसको वॉश करना है। आलू को छील के वॉश करके फिर इसको कटिंग करना है, फिर कटिंग करके फिर एक बार और वॉश करना है। ये हमारा जो है छिल चुके हैं आलू, अभी हमें कटिंग कर रहे हैं इसको। देखिए छोटे छोटे बिल्कुल बारीक बारीक हमने कट मारे पहले इसमें, फिर उसके बाद बारीक बारीक कटिंग कर लिया है। कटिंग करने के बाद इसको हमने वॉश कर लिया है, देखिए वॉश हो गया। जो अभी हमने कड़ी पत्ता लिया है, कड़ी पत्ते का तड़का लगाएंगे। अभी हम कड़ी पत्ता ले चुके हैं इसमें। अभी हम सब कढ़ाई रखी है, कढ़ाई में हम अभी ऑयल डालेंगे। तो हम रिफाइंड ऑयल यूज़ कर रहे हैं इसमें, थोड़ा सा ही रिफाइंड डालेंगे, ज़्यादा ऑयल नहीं यूज़ करते क्योंकि मतलब नुकसान देता है। और बाकी हमने ऑयल गर्म हो चुका है, अब इसमें हम मूंगफली डाल देंगे। आपको पता ही है हमने आधी कटोरी मूंगफली ली थी। अब इसको हम भूनेंगे, अच्छे से भूनना है इसको जब तक हमारा ये लाल ना हो जाए। जब हल्की ब्राउन कलर में हो जाएगी तो भूनते रहेंगे, जब तक भूनने के बाद इसको निकाल लेंगे। ये देखिए अभी हमारी भून चुकी है, हल्की सी देखो ब्राउन हो चुकी है, अब इसको हम निकाल रहे हैं। ये हमारी मूंगफली भून चुकी है अभी देखिए, और तेल निचोड़ निचोड़ के निकालना है इसका अभी हमने, ठीक है। और ये हमारी मूंगफली रेडी हो चुकी है, अब हम इसमें आलू डालेंगे। ये देखिए मूंगफली अच्छी लग रही है, अब हम इसमें आलू डाल देंगे, गैस जला देंगे। हमने बंद निकालते समय आलू गैस बंद कर दी थी, अभी हम आलू डाल रहे हैं, और आलू डाल के इसको भी ऐसे ही फ्राई करेंगे। जैसे हम आलू फ्राई करते हैं आपको मालूम ही है, हम आलू बच्चों को फ्राई आलू बहुत पसंद होते हैं। हम छोटे छोटे टुकड़े में उसको फ्राई करना है, जब तक हम आलू फ्राई होते हैं हम जब तक मूंगफली को कूट लेंगे। कूट के हम लोग इसको अपना छोटा अधकुटा करना है, इसको अधकुटा करना है, कूट कूट के इसको थोड़ा अधकुटा हो जाएगा, ज़्यादा पीसना नहीं है इसको। जब तक हमारे आलू फ्राई होते हैं जब तक हम ये कूट लेते हैं। ये देखिए हमारा कूट चुका है, ये रेडी हो गया है हमारा मिश्रण। अब इसको हम निकाल लेंगे प्लेट में, ये हमने कूटा हुआ निकाल लिया है मूँगफली को। अब इसके बाद हम आलू फ्राई देख लेते हैं कैसे हो गए। ये देखिए हो गए हैं, लगता है आलू फ्राई भी हो चुके हैं हमारे। अब इसको भी हम थोड़ी देर में निकाल लेते हैं। ये देखिए उसी प्लेट में हमने निकाल लिया जिसमें हमने मूंगफली निकाली है। अब इसको हम आलू को भी निकाल लेते हैं। ये देखिए फ्राई हो चुके हैं, लाल लाल हल्के 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 ब्राउन कलर हो गया है इनका भी। अब आलू को भी निकाल लिया हमने। अब इसमें इसी तेल को हम रहन देंगे कढ़ाई के अंदर ही। अब इसमें हम तड़का लगाएंगे, ये देखिए गैस जलाएंगे। अब गैस जला के हम लोगों को अभी हींग डालना है इसमें। अब हमने थोड़ा सा हींग लिया, हींग डाल देंगे इसके अंदर। हींग भून चुका है हमारा, इसी तेल कढ़ाई गर्म थी हमारी, आपको पता ही है गैस हमारी चल रही थी। अब इसमें हम डाल देंगे जीरा, आधा चम्मच मैंने जीरा लिया था, उसको भून देंगे। भूनने के बाद हमने इसमें कड़ी पत्ता डालना है, कड़ी पत्ता मैंने धो लिया है इस चीज़ से। कड़ी पत्ते का तड़का लगाना है इसमें, कड़ी पत्ता हो चुका है देखो, मैंने अभी गैस बंद कर दी है इसलिए। अभी इसमें नमक, मिर्ची, लाल मिर्च मैंने आधी चम्मच ली है, आप अपने स्वाद अनुसार डाल सकते हैं। मिर्ची, हल्दी और ये सूखा धनिया, इन सबको भी हम भून लेंगे। और गैस हमारी बंद है, देखिए गैस हमने बंद कर रखी है अभी, क्योंकि गैस जलाने की जरूरत नहीं, मसाला जल जाता है। अब जलाएंगे, गैस जलने के बाद हम साबूदाना जो हमारा भीगा हुआ था, ये देखिए दाना दाना खिला हुआ है, अब इसको हम इसमें डाल देंगे। साबूदाना को अच्छे से डाल के इसमें अब साबूदाना को चलाएंगे अच्छे से, हम जितना हो सके 5 से 7 मिनट ही लगते हैं इसमें। इसको अच्छे से चलाना है इस मसाले के अंदर, खूब अच्छे से फ्राई करना है मसाले के अंदर इसको, ताकि ये कच्चा कच्चा नहीं लगना चाहिए, खाने में चिपकना नहीं चाहिए मुंह के अंदर। अब इसको देखो हमने फ्राई कर चुके हैं इसके अंदर, मसाले के अंदर। ये देखिए देखो चिपक रहा है हल्का हल्का, देखो अभी थोड़ा वो तो हल्का सा लगता ही है, पर हमने तेल हमने कम ही डालते हैं देखो उसमें, फिर भी हमारा इतना अच्छा बना है। अब ये बन चुका है हमारा, अब इसमें हमने गैस जलाकर अभी इसमें आलू और जो वो हमने मूँगफली भुनी थी ये सब डाल देंगे। ये देखिए आलू और मूँगफली दोनों को डाल देंगे इसके अंदर, फ्राई किया हुआ था दोनों चीज़ों को हमने। अब इसमें मिक्सचर को मिक्स कर देंगे, इन दोनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे, ताकि हमारा ये जो मसाला है, ये जो साबूदाने में मसाला लगा हुआ है, वो इसमें भी लग जाए, आलू और मूँगफली में, ताकि इसका स्वाद जो है सब में आना चाहिए मसाले का। अभी इसको पूरे अच्छे से 5 से 7 मिनट 5 मिनट से मुश्किल से लगेंगे, इसको हिलाते रहेंगे, हिलाते रहना है इसको, रुकना नहीं है।
हाथ में और दो मिनट बाद इसको देखना है। ये देखिए कितना सुंदर कलर आ रहा है इसमें, ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है ना, खाने का मन भी कर रहा होगा। अब इसमें हमने कुटा हुआ अपना कटा हुआ धनिया काट डाल लिया, कटे हुए धनिया से आपको पता ही है कितना स्वाद आ जाता है। अब दो सेकेंड के लिए हमें इसको हिलाना है ताकि धनिया की भी खुशबू आ जाए इसमें। अभी हमने बंद कर देना है गैस और ये देखिए बाउल ले लिया हमने। अब बाउल के अंदर इसमें हमें डाल देना है, सर्विंग बाउल लेना है, उसमें अपना सर्विंग बाउल में डाल लिया, पसंद आती है। ये तो देखो कितना सुंदर लग रहा है ना, बहुत बढ़िया। अब इसमें हमने धनिया से गार्निश कर लिया इसको, बहुत प्यारा कलर आया इसमें, मज़ेदार।